कुछ और बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके अपने आप को म्यूट ही रखें, शिवम प्रजापति। ओके अप सर हाँ, अपने आप को आप म्यूट रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है ना? आपको जो भी डाउट्स है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूं, कुछ देर और इंतजार करेंगे, फिर और बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग प्रिया। जब तक और बच्चे आते हैं तब तक हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो ये चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, मैं देख रहा हूँ। अंकित, आपको कोई डाउट है क्या? नो सर ओके। सर चैट कहाँ से खुलेगा? अगर आपको चैट का नहीं पता है तो मैं बस 2 मिनट, आप रुक जाओ, मैं सब चीज़ इस क्लास में बताऊंगा आपको। ओके ओके आज की क्लास बेसिकली उसी के लिए है कि आपको सभी चीज़ इसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको चैट यूज़ करना है, किस तरीके से आपको आंसर करना है, और ये हमारी प्रोग्राम क्या है, ये सभी चीज़ आज आपको बताई जाएगी। मोहित कुमार, आप गुड़गांव से हो, गुरुग्राम? जी वार्निंग यस सर। अरे बच्चे अब आ रहे हैं, कुछ देर में कपल अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं मैं उनको बता दूं, अपने आप को म्यूट रखें। समीर कुमार से नाम के एक बच्चा है, आप अपने आप को म्यूट रखें। हेलो प्रिया, फारूक नगर, गुरुग्राम।
आप में से कोई ही बच्चा अगर एक भी म्यूट अपने आप को अनम्यूट करता है तो पूरी क्लास को उसकी आवाज जाती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अपने आप को म्यूट रखें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर चैट के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। हमारी क्लासेस के टाइम हो गई है, अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर और बच्चे आते रहेंगे। ओके सर, यस सर। आप अपने आप को अनम्यूट ना करें, ठीक है ना? आप लोग को जो भी बोलना हो आप लोग चैट सेक्शन में लिखोगे, मैं देख लूँगा। तो आप लोग को पता है कि आज हमारी जो गूगल मीट पे ये क्लास चल रही है, ये लाइव क्लास की पहली क्लास है। तो कुछ भी शुरुआत करने के पहले, कुछ भी पढ़ने के पहले, मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब हम इवनिंग लोग, सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आप लोग क्या करो, अब अपने आप को म्यूट रखो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, ठीक है ना? आप लोग में से कोई भी एक बच्चा अगर बोलेगा तो पूरी क्लास को उसकी आवाज जाएगी, और इसी तरीके से पाँच छः अगर बच्चे एक साथ बोल दे तो क्या होगा, एक शोर मच जाएगा यहाँ पर। तो आप सभी को क्या करना है, बस म्यूट रहना है अपने आप को, ठीक है? और अगर म्यूट का नहीं पता है तो अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, नीचे में एक माइक का ऑप्शन होगा आपके पास, दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आप म्यूट रहोगे। ध्यान देना, अगर उस पर कट का निशान लगा हुआ है तो आप म्यूट हो, इसका मतलब। तो मैं बता दूँ, मेरा नाम पंकज कुमार है, आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और अभी मैं पटना में रह रहा हूँ। मैंने BSc कर रखी है और गणित में पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, है ना? आप लोग को किसी को कोई डाउट है क्या? मेरी आवाज सभी तक पहुंच पा रही है ना सही से? ओके, मैं कुछ भी आप लोग से पूछ रहा हूं तो आप लोग चैट सेक्शन में आंसर दें, ठीक है? ऑडियो ऑन करके आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब बात गणित की आती है तो आप सभी में से, मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गणित काफी पसंद होगी, उन्हें गणित बनाना आसान लगता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको गणित कठिन लगती होगी। तो गणित आपको जब भी कठिन लगे, या आपको कठिन इसलिए लगती है क्योंकि आप लोग उसे रुचि के साथ, अपने इंटरेस्ट के साथ नहीं करते हो। अगर आप लोग गणित को अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ से रिलेट करोगे, आप उसको देखोगे कि आप प्रतिदिन गणित का यूज कर रहे हो, तब तो आपको गणित आसान लगने लगेगी। मुझे इतना पता है कि आप में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि आपको गणित बिल्कुल भी नहीं आती, है ना? अगर जैसे मैं अगर कहूँ आप लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ सामान खरीदने जाते होगे, तो वहां पर क्या करते हो आप, गणित लगाते होगे। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो आपको अपने स्क्रीन पर दो इमेज दिख रही होंगी। तो पहले में मैंने एक दुकान की इमेज लगाई है, एक कोई भी जनरल स्टोर की शॉप है, और दूसरी इमेज देखो तो एक क्रिकेट मैच की कोई इमेज चल रही है, कोई सीन चल रहा है, इमेज ये इमेज है। तो आप देखो कि आप प्रतिदिन किसी न किसी काम से कुछ न कुछ सामान खरीदने जाते होगे कोई ना कोई दुकान में। तो आप क्या करते हो, कुछ सामान खरीदे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक जनरल स्टोर की बात करूँ तो आप क्या करोगे, कुछ बिस्कुट खरीदोगे, कुछ चिप्स खरीदोगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स खरीदोगे, उसके बाद क्या करोगे, सबको सम करोगे, ये जोड़ोगे कितना अमाउंट हुआ टोटल आपका, और उसके बाद मान लो आपका अमाउंट बना टोटल 200 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, और आप दुकानदार को दोगे 500 रुपीज़। तो क्या करोगे इसमें, आप बोलोगे कि मुझे 300 रुपया वापस करो। तो ये चीज करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, गणित का ही तो इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्रिकेट, आप सभी बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में भी कई बार होता है क्या, ऑस्ट्रेलिया ने कुछ रन बनाए 245 रन, तो आपको देखने हैं कि इंडिया को कितने रन बनाने, या आप देखते हो कि अभी 12 ओवर बचा हुआ है और इंडिया को इतने रन बनाने हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आप लोग गणित के यूज से ही करते हो, लेकिन यहाँ पर जब आप गणित यूज कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप गणित यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लोग बड़ा इंटरेस्ट के साथ करते हो। और यही जब बात आती है आपके सब्जेक्ट की, तो आप सब्जेक्ट में सोचते हो कि ये तो मेरा स्कूल का सब्जेक्ट है, इसे तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसे भी आप, चाहे गणित का कोई भी चैप्टर हो, बीजगणित हो,
त्रिकोणमिति हो, ज्यामिति हो, या कोई भी चैप्टर, जब आप उसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ लोगे, और मैं ये आपको बताता हूँ, कोई भी चैप्टर जो भी गणित में है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग आपके दैनिक जीवन में आएगा ही आएगा। आपको बस जरूरत है उसे देखने की, एक नजरिया चाहिए। अगर आप उसे देख लोगे तो फिर वो चीजें काफी आपको आसान लगने लगेंगी। जब आप उसे दैनिक जीवन से रिलेट करोगे और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो फिर आपको खुद मन करेगा कि मैं मैथ्स बनाऊं, और चीजें खुद ब खुद आपके लिए आसान होने लगेंगी। तो ये तो हुई गणित और उसके इंटरेस्ट की बात। अब हम बात करते हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये गूगल मीट के द्वारा हम लोग कनेक्ट होकर ये लाइव क्लास कर रहे हैं। तो ये लाइव क्लास का हमारा जो कार्यक्रम का नाम है, ये कार्यक्रम का नाम है नींव कार्यक्रम, और ये नींव कार्यक्रम अवंती के द्वारा चलाई जा रही है। सीधी भाषा में आप ये समझ सकते हो कि अवंती एक तरीके से आपके स्कूल का नाम है, और जिस तरीके से आप कोई ना कोई क्लास में पढ़ते हो, आप सभी 9th क्लास में हो, उसी तरीके से ये आपके क्लासरूम का नाम है नींव कार्यक्रम। तो आप सोच रहे हो कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम हमने नींव क्यों रखा है। तो नींव हमने इस कार्यक्रम का नाम बहुत सोच समझ के रखा है कि इस कार्यक्रम का नाम नींव क्यों रखे। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो आपके पास एक इमेज दिख रही होगी आपके स्क्रीन पर। इस स्क्रीन में क्या दिख रहा है? आप में से कोई एक बच्चा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखे हैं? आप अपने आप को म्यूट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रही होगी। इस चित्र में एक बीज है, जो बीज धीरे धीरे एक पौधा बन रहा है। क्लासेस अभी काफी दिन तक लगेगी, अभी रेगुलर आप लोग की क्लासेस लगेंगी, सप्ताह में 3 दिन आप लोग की क्लासेस लगेंगी। आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, इसमें एक बीज है जो पौधा बन रहा है। तो आप समझ सकते हो, एक तरीके से मान सकते हो कि आप अभी जो क्लास 9th में आप सब बच्चे हो, ये आप लोग एक तरीके से एक पौधे हो, जिसे आगे जाके एक वृक्ष बनना है। और एक वृक्ष या एक अच्छा पौधा कैसे बन सकता है? उसकी आधार क्या होती है? उसकी आधार उसकी जड़ें होती है, अर्थात उसका नींव होता है। अगर किसी भी पौधे का, किसी भी वृक्ष का अगर नींव कमजोर है, तो एक कभी भी वह वृक्ष खड़ा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मैं जड़े और नींव की बात क्यों कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जड़े या नींव के बारे में नहीं बताना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे कंसेप्ट जो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक आपके लिए जरूरी थी, वो सभी एक तरीके से एक जड़ का काम करती है, वो क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए। आप क्लास 9th का सिलेबस जब पढ़ते हो, तो हो सकता है कि आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी। वो इसलिए कि क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक वो सारी कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे, या आप लोग को रिवीजन की जरूरत है। तो हम इस प्रोग्राम में वो सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपको क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको क्या होगा, आपको खुद ब खुद मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस नींव कार्यक्रम के बारे में और हम डिटेल में जाने, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस कार्यक्रम में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो क्लास 9th के सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको जरूरी है। ये चीज सब भी हम करें, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट ना करे, ठीक है ना। तो इस क्लास से जब आप क्लास कर लोगे, तो इससे क्या होगा, आपको गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझ में आएगा, आप मैथ्स को रिलेट कर पाओगे अपने डेली लाइफ से, और आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर गणित आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जब इंटरेस्ट आता है, तो चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैं अगर आप सभी बच्चों को बोलूं, आप में से सभी बच्चे ट्राई करना, जैसे मैं यहाँ पर कुछ सर्कल कर रहा हूँ, कुछ एक शब्द लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, आप सभी बच्चे बस इसे देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, बस आपको देखना है, किसी भी बच्चे को इसे पढ़ना नहीं है। मैं अगर बोलूं कि हर बच्चा इसे बस देखेगा, कोई भी बच्चा ये क्या लिखा हुआ है पढ़ेगा नहीं, तो आप सभी लोग बताओ, क्या ऐसा आप लोग कोई भी बच्चा ऐसा कर पा रहा है क्या कि बस इसे देखेगा और पढ़ नहीं रहा होगा? आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि आप इसे ऐसा कर पा रहे हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा है, मुझे पता है,
तो आप में से कोई बच्चा अगर इसे देखोगे तो उसे खुद ब खुद पढ़ ही दोगे। अगर मैं बोलता हूँ एप्पल या सेब, तो आपके मन में खुद ब खुद एक इमेज एप्पल की बन जाती होगी। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपको ये चीजें इतनी आसान लगती हैं कि वो खुद ब खुद हो जाती है। इसी तरीके से मैथ्स जब आप कई बार उसको पढ़ोगे, जब आपको आसान लगने लगेंगे, तो जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा वो लगेगा अरे ये तो काफी आसान है, वो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने वहां पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि जब आप लोग सारे कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो खुद ब खुद ये चीजें इतनी आसान हो जाए कि खुद ब खुद आपसे होने लगे। और ये कार्यक्रम हम लोग करवाएंगे कैसे, तो जिस तरीके से आज हम लोग मिले हैं गूगल मीट पे, इसी तरीके से सप्ताह में 3 दिन हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे और गूगल मीट के जरिए ये हमारा पूरा क्लासेस होंगी। तो जैसा कि मैंने बोला, गूगल मीट पे हमारी क्लासेस होंगी, सप्ताह में 3 दिन होंगी। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी क्लास कब कब होंगी और क्या टाइम टेबल होगा हमारा। तो आपकी क्लास सप्ताह में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को होंगी, और 5:30 बजे से 6:30 बजे तक 1 घंटे की तो क्लास होगी सप्ताह में 3 दिन। शाम में आप लोग स्कूल के बाद आप लोग की क्लासेस होंगी 5:30 बजे से 6:30 बजे तक, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को। इस टाइम टेबल को आप सभी लोग अपने अपने कॉपी में लिख लें, सभी लोग अपने कॉपी में लिख लें ये टाइम टेबल को। आप लोग को हमेशा हर मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को एकदम नियमित रूप से आना है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको गूगल मीट के बारे में काफी कुछ पता होगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको गूगल मीट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि हमारी ये पूरी क्लासेस गूगल मीट के जरिए ही होंगी और आज ये पहली क्लास है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि गूगल मीट हम लोग कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स है इसको। काफी फीचर्स ऐसे, जैसे कि आज आप लोग अब तक क्या कर रहे होगे, स्कूल जा रहे होगे, स्कूल में जाके क्लासेस करते होगे, और ये हमारी एक नया प्रोग्राम है लाइव क्लासेस की। तो इसमें आप लोग को क्या करना है, काफी सारे ऐसे फीचर है जो आप लोग बिल्कुल जिस तरीके से आप अपने स्कूल में यूज करते हो। आप क्वेश्चन पूछने के लिए हैंड रेस करते हो कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो गया तो आप पूछते हो, वो सभी फीचर हम लोग इसमें भी ऐड किए हैं। तो वो सभी फीचर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो मैं यहाँ पर 1 नंबर की लिख रहा हूँ, जब भी मैं क्लासेस लेते रहूंगा तो आपको सबसे पहले इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, और ये क्लास जब भी इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी आपको क्या करना है, कई बार जो मैं पढ़ाते रहूंगा वो चीजें आपको काफी छोटी छोटी दिखेंगी। तो आपको यहाँ पर आपको एक स्क्वायर टाइप का एक इमेज दिखेगा जहां पर मैंने एक लेंस बना के रखा। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा जहां पर मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ। तो इस तरीके का इंटरफेस खुलने के बाद आप अपने सभी के मोबाइल में स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन होता है, आप स्क्रीन रोटेशन को ऑन करके मोबाइल को घुमा लोगे तो जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज बड़े बड़े आपको दिखेंगी, और फिर आसानी से आपको पता चल पाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। इसमें क्या होता है, काफी छोटी छोटी आपको दिख सकती है। अब जाहिर सी बात है, आप लोग को क्लास जब आप कर रहे हो तो आप किसी को भी शोर नहीं मचाना है। आप क्लास जाते हो, स्कूल में तो क्या करते हो, आप लोग शांति से बैठते हो, कोई भी बच्चा शोर नहीं मचाता, और अगर शोर मचाता है तो क्लास का जो टीचर है वो उसे क्या कहता है कि आप शांत रहें, आपस में बातें ना करें। तो इसी तरीके से आप देखोगे, सभी बच्चे देखेंगे आपकी, जहां पर मैं गोल सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पर एक माइक का चित्र बना हुआ होगा जिसे मैं जूम करके भी दिखाया है मैंने, ये वाली। तो इस पे आप सभी को सुनिश्चित करना है कि इस पे एक कट का निशान बना रहे। कट का निशान बना हुआ है, इसका मतलब आप लोग म्यूट हो, अर्थात आप सभी की आवाज गूंजेगी नहीं। आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। भी कोई एक बच्चा है जो अपने आप को अनम्यूट कर रखा है, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या देखना है, ध्यान दें कि उस पे एक माइक पे जो है एक कट का निशान बना हुआ है तो वो म्यूट है। इसका मतलब आप अगर जनरल क्लास से रिलेट करो तो इसका मतलब आप शांत हो, शोर नहीं मचा रहे। अगर आप अपने आप को अनम्यूट करते हो इसका मतलब आपको पूरी क्लास आपसे डिस्टर्ब हो रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके चलते पूरी क्लास डिस्टर्ब ना हो, है ना। अब जाहिर सी बात है, कोई भी क्लासेस होती है, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँगा,
हो सकता है कि आपको कहीं कहीं पर कुछ चीजें समझ में ना आए, हो सकती है कि आपको कुछ डाउट आ जाए या कुछ आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा। तो मैंने तो पहले ही कह दिया आप सभी को म्यूट करके रखना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आप जब क्लासेस करते हो तो क्लासेस में भी क्या होती है, स्कूल की क्लासेस में आपको कई बार काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो आप अपने टीचर से पूछते हो सर ये वाली रिपीट कर दो, या कहते हो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आप मुझे बता दो। तो यहाँ पर मैं तो आपके सामने हूँ नहीं, फिर भी आप मुझसे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और वो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या करना है, आपको मोबाइल के नीचे आप देखो दाईं तरफ तीन बिंदु दिखेंगे जहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, मैंने इसे जूम करके दिखाया है ये वाली। तो जब आप इस तीन बिंदु पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जब वहां पर मैं दो नंबर लिख रहा हूँ ये वाली इंटरफेस खुल के आएगी। नीचे में देखो टोटल सात ऑप्शंस खुल के आए हैं, तो इन सात ऑप्शन में आप सभी लोग अभी ट्राई भी करके देख सकते हो। आप तीन बिंदु पे क्लिक करो तो आपको ये सात इंटरफेस खुल के आएंगे, सात ऑप्शन। तो ये सात ऑप्शन में पहला जो काम का चीज है ये इन कॉल मैसेज का है जो मैं अभी यहाँ पर सर्कल कर रहा हूँ, और दूसरा जो काम का चीज है ये एक्टिविटीज का है। एक्टिविटीज के बारे में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, अभी आप लोग इन कॉल मैसेज के बारे में ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप लोग को कई बार इसको यूज करना पड़ेगा, और जो बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे तो और ध्यान से सुने। इन कॉल मैसेज में आपको क्या करना है, जब भी कोई चीजें पढ़ाई जा रही है उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट हो तो आपको क्या करना है, इन कॉल मैसेज पे क्लिक करना है, और फिर आपके सामने एक चैट बॉक्स खुलेगा, आपको जो डाउट है उसमें आप टाइप करो, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप करते हो अपने फ्रेंड्स लोग से बात करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना डाउट पूछना है और उसको सेंड कर दोगे, मैं देख लूंगा आप सभी का डाउट। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी का डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो आप सभी लोग अभी क्या कर सकते हो, इसमें जाओ इन कॉल मैसेज में जाओ और आप लोग अपना अपना नाम लिखेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई हैं। बहुत अच्छे, समीर कुमार, अमन, मोहित, प्रिंस, ठीक है। तो आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई है कि चैट कैसे करना है, कोई डाउट कैसे पूछना है। अब मैंने बोला कि आपको दूसरी जो काम की चीज थी इसमें वो एक्टिविटीज की थी, तो एक्टिविटीज में क्या होगा, इन कॉल मैसेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, एक्टिविटीज में क्या होगा, जब भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्लासेस के दौरान क्या होगा, कई बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आप लोग क्या करोगे उसका कोई भी आंसर, आप लोग सभी बच्चे कोई भी उसका आंसर चैट सेक्शन में जो मैंने बताया इन कॉल मैसेज वाला, उसमें कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। उससे क्या होगा, कोई भी एक बच्चा उसमें आंसर देगा तो फिर बाकी क्लास को लगेगी कि हाँ यही सही उत्तर है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका चार विकल्प होंगे, ए बी सी या डी, तो वो चारों ऑप्शन में से कोई एक उत्तर सही होगा, उसका उत्तर देने के लिए आपको पोल सेक्शन में जाना है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर उत्तर दें। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए जो नीचे की तरफ ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो इस एक्टिविटीज पे आप जब क्लिक करोगे जो इस तरीके का आपको दिखेगा, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, ये जो पहला इंटरफेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, पोल्स वन एक्टिव, आप अभी क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने अभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उस वक्त आपको ये दिखेगा पोल्स वन एक्टिव। तो जब आप यहाँ पर जहाँ पर मैं अपना कलम चला रहा हूँ इस पोर्शन पे आप क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ देखो इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन के तीन इमेज शो करके रखी है, सबसे पहले आपको जहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ ये वाली इंटरफेस खुल के आएंगे। इसका क्या यूज है, पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको यहीं पर जाके आंसर करना होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर दिखेगा और इसके चार ऑप्शंस दिखेंगे, ए बी सी या डी, तो आपको इसमें से जो भी उत्तर सही लग रहा होगा ए बी सी या डी उस पर आपको क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दूसरी वाली स्क्रीन में जहाँ पर मैं दो नंबर लिखा। तो जैसा कि यहाँ पर मुझे अगर बी आंसर सही लग रहा है तो आप बी पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप बी पे क्लिक करोगे ये जो नीचे में वोट लिखा हुआ है ये खुद ब खुद नीले कलर का हो जाएगा इस तरीके का,
ये नीले कलर का हो जाने का मतलब है आप अब इस क्या करोगे, इस वोट पे क्लिक कर दोगे। आप वोट पे क्लिक कर दोगे तो ये जो वोट है वोटेड लिखा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका उत्तर मेरे तक पहुंच गया है। आपको उसके बाद क्या करना है, आंसर करने के बाद, वोट पे क्लिक करने के बाद, आप दो बार जब बैक जाओगे तब तक आपको बैक आना है जब तक आपको फिर से क्लास वाली जो भी क्लास चल रही है उस क्लास की जो भी स्क्रीन थी वो ना आ जाए। तो आपको क्या करना है, जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आपको तीन बिंदु पे क्लिक करना है। तीन बिंदु पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद वन पोल एक्टिव करके आएगा, उस पे क्लिक करना है। और उसके बाद कोई बच्चे हैं जो अपने आप को अनम्यूट किए हैं? हाँ, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पोल में जो भी उत्तर आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करके वोट पे क्लिक कर दोगे तो आपका उत्तर मेरे तक आ जाएगा। अब इतनी बातें अगर सभी को समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूँ। आप सभी बच्चे इसका उत्तर दे पोल सेक्शन में जाके। कोई भी बच्चा इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखकर नहीं देगा। आप सभी लोग ट्राई करो, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को पोल सेक्शन के बारे में पता चल गया है। एक क्वेश्चन आपको दिख रही होगी पोल सेक्शन में, आप जाके सभी लोग उसका उत्तर दें। सभी बच्चे आप लोग उत्तर देंगे, है ना? मैं देख पा रहा हूं अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उत्तर अब तक नहीं दिया है। और मैं जब भी कोई क्वेश्चन पूछूं आपको उसका उत्तर पता हो या ना पता हो, आपको ट्राई जरूर करना है, एक अटेम्प्ट लेना है, कोशिश जरूर करनी है कि हाँ ये उत्तर सही होगा या उत्तर गलत होगा। उससे आप सीखोगे कुछ, आपको पता चलेगी कि मैंने क्या गलती कर दी। जब उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। कुछ देर और वेट करते हैं, काफी बच्चों अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं आप लोग। अगर किसी को भी डाउट है पोल सेक्शन का तो आप मुझसे चैट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है? जिन्होंने उत्तर बता दिया है वो बहुत अच्छे, जिन्होंने भी उत्तर नहीं अब तक दिया है वो सभी लोग प्लीज जाके कमेंट कमेंट सेक्शन में नहीं पोल सेक्शन में जाकर सभी लोग उत्तर दे, अपना वोट कर दे। चलिए तो अब हम आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। क्या क्या करना है, जैसे कि आप क्लास जाते हो तो आपको क्लास में भी काफी सारे नियम रहते होंगे आपके स्कूल में कि ये करना है ये नहीं करना है। तो उसी तरीके से ये इसको आप जो हमारी लाइव क्लास के प्रोग्राम चल रही है इससे भी आप एक हमको तरह, आपको इस लाइव क्लास को भी एक तरीके से एक क्लास की तरह देखना है। इसमें आपको क्या क्या करना है, जब भी आप क्लास करने बैठो सबसे जरूरी बात एक शांत जगह पर आपको बैठना है, तभी जाके आपको क्लासेस समझ में आएंगी। दूसरी बात, आपको कॉपी और पेन पेंसिल लेके बैठना है, पेन या पेंसिल। ऐसा तू मैं, अपना लिखा कोई बच्चा देख, तू ऐसा लिखेगा है फिर। जो अरे सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ पेन और पेंसिल का, ये आगे तू वीडियो जाओ। तो आपको क्या करना है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको सोल्व करना होगा, तो उसे सोल्व करने के लिए आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। और ये तो आपको पता ही कि क्लासेस रोजाना समय से आना है। रोजाना कहने का क्या अर्थ है, जो भी मैंने आपको कार्यक्रम बताया सप्ताह में 3 दिन आपको टाइम से आना है। जैसे कि आपको क्लासेस, आपकी क्लासेस 5:30 बजे से है, तो आप लोग कोशिश करो कि 5:25 तक आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लो, तब तक कुछ भी चीजें आपको छूटेंगी नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या करनी है, नोट्स बनानी है। आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे। तो क्या होता है, जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको एग्जाम के समय में या कई बार रिवीजन करने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी आपको मदद मिलेगी उससे। काफी बार क्या होगा, मैंने स्क्रीन पर काफी चीजें, ये सब्जेक्ट हमारा मैथ्स का है, हम लोग आज मैथ्स पढ़ने वाले हैं, तो नोट्स बनाओगे, कई बार होगा कि हमारे स्क्रीन पर काफी सारी चीजें लिखी आएंगी तो आपको लिखने का समय नहीं मिले। तो क्या कर सकते हो, सभी के मोबाइल में एक फीचर होता है स्क्रीनशॉट का, तो आप क्या करना स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद में जब भी आपको समय मिले तो आप अपने नोटबुक में कॉपी में उसको लिख लो। तो इससे क्या होगी, चीजें को
चीजों को याद करने में आपको आसानी मिलेगी, और जब आप नोट्स बनाते हो तो आधी चीजें आपको उसी वक्त याद हो जाती है लिखते हुए। कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो उस डाउट को ऑलवेज आपको कहाँ पूछना है, चैट बॉक्स में पूछना है। अपने आपको अनम्यूट करके कभी नहीं पूछना है, कोई भी ऑडियो ऑडियो में नहीं बोलेगा। जब तक कि मैं आपका स्पेशली नाम लेके ना बोलूं, तब तक आप लोग कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अब सवाल तो आपको चैट बॉक्स में देने हैं, और आंसर कहाँ देना है, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो वो क्वेश्चन का आंसर कभी भी चैट बॉक्स में नहीं देना है। आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाना है, और पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। अब आप स्कूल जाते होगे तो स्कूल में होमवर्क भी मिलती होगी, तो ये भी आपको मैंने पहले कई बार आपको बता चुका हूँ कि यही आपकी एक तरह से स्कूल है, तो आपको यहाँ पर भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ होमवर्क या गृह कार्य दिया जाएगा, उसे आपको नियमित रूप से करना है। और दो बात मैंने लास्ट में ये ऐड करके रखी है कि आपको क्या करना है, मोबाइल चार्ज करके रखना है और घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम से कम आपकी मोबाइल इतनी चार्ज हो कि 1 घंटे हमारी जो पूरी क्लास है ये आपकी आसानी से चल जाए। ऐसा ना हो कि मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से आपको क्लास छूट जाए, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, मोबाइल ये देख लेना है क्लासेस के पहले कि आपकी मोबाइल चार्ज है या नहीं है। अब जैसा कि मैंने बता दिया क्या क्या करना है, तो ये भी आप देख लो कि आपको इस क्लासेस के दौरान क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बात, मैं अब तक कई बार आप लोग को बोल चुका हूँ कि कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, मतलब वो माइक पे क्लिक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप में से कोई भी एक बच्चा अपने आप को अनम्यूट करता है तो क्या होगा, पूरे क्लास को उसकी डिस्टर्बेंस जाएगी, पूरी क्लास को वो सुनाई देगी, है ना। और कोई भी कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने बोला चैट सेक्शन का यूज किस लिए करना है, मैंने आपको बोला कि जो भी आपको डाउट हो या जो भी क्वेश्चन हो वो सब चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे बताएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कमेंट या कोई भी बातें नहीं कमेंट सेक्शन में लिखना है जो भी जिसका रिलेशन, जिसका संबंध इस क्लास से नहीं है। कुछ भी अपने आपस में भी आपको बातें नहीं करनी है, अनावश्यक कुछ भी बातें नहीं करनी है जिसका संबंध इस क्लास से नहीं है। और कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है, आपको हमेशा डाउट पूछना है, और क्लास छोड़कर तो कभी नहीं जाना है आपको। तो ये हो गई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, हमारी कोई टॉपिक शुरू करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को पता है ये जो क्लास है हमारी, ये मैथ्स की क्लास है। तो मैथ्स में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति पढ़ने वाले हैं, ज्यामिति स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति को कई जगह आप भूमिति भी लिखा देखोगे। तो भूमिति, ज्यामिति या जियोमेट्री, ये तीन चीज, तीनों वर्ड को जब आप देखोगे तो तीनों वर्ड में आपको एक समानता दिखेगी। ये तीनों वर्ड क्या है, तीनों शब्द दो शब्दों से मिलकर बनी है। अगर मैं ज्यामिति की बात करूं तो ज्यामिति ज्या और मिति से मिलकर बनी हुई है। इसका ज्या का क्या मतलब हुआ, ज्या का मतलब हुआ भूमि, और मिति का मतलब होता है मापना। जियोमेट्री को अगर मैं उसी तरीके से समझाऊं तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो प्राचीन काल में जियोमेट्री की शुरुआत कैसे हुई, तो प्राचीन काल में क्या करते थे लोग, पृथ्वी की सतह को विभिन्न कारणों से मापते थे। तो उसी से हमारी ये जियोमेट्री की विकास हुई है। और आज के समय में, इस समय में क्या करते हैं, ज्योमेट्री को हम लोग, ज्यामिति को प्रायः सभी क्षेत्रों में हम लोग इसको, ज्यामिति को यूज करते हैं। और अगर हम लोग बात करें अपने सिलेबस की, आपके पाठ्यक्रम की, तो इसमें आप लोग को 4 चैप्टर्स मिलेंगे। आप अपने क्लास 9th को देखो, अपने कंटेंट को, तो आपको दिखेंगी एक चैप्टर रेखाएं एवं कोण, चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज, चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज, और चैप्टर नंबर 10 वृत्त। तो ये चारों चैप्टर जो आपको दिखती है आपके क्लास बुक में, ये चारों चैप्टर ज्यामिति के अंतर्गत आती है। तो ज्यामिति में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, रेखाएं एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। ये चार चैप्टर ज्यामिति में आते हैं। ज्यामिति में हम लोग पढ़ते क्या है, ज्यामिति में हम लोग वो सारी आकृतियां और आकृतियों के गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो ज्यामिति, अंकल सर आप,
सर आप म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो, सर आप म्यूट हो। मेरी आवाज जा रही है क्या? यस सर, यस सर। फिर मिनट समय दो। अब मेरी आवाज आप सभी को जा रही होगी, है ना? यस सर। हाँ, तो अब आप सभी लोग देखो, मैं ये बोल रहा था कि ज्यामिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, रेखाखंड के बारे में पढ़ते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की जो भी आकृतियां हैं वो आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, कोण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे त्रिभुज में कितने तरीके के कोण होते हैं, चतुर्भुज हो गया, बहुत तरह की आकृतियां होती है, ये सभी आकृतियों के मापन, उनके गुणों के बारे में ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको ये बताया कि ज्यामिति में पढ़ते क्या है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये उठेगा कि आकृतियां होती कितने प्रकार की है। तो आकृतियों को अगर हम बांटे तो आकृतियां बेसिकली दो प्रकार की होती है, बंद आकृति और खुली आकृति, अर्थात क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर, या कह सकते हो क्लोज्ड शेप एंड ओपन शेप। तो ये आपको नाम से ही क्लियर हो रही होगी क्लोज्ड एंड ओपन का क्या मतलब है, बंद और खुली के क्या क्या मतलब है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि आपको अभी आपके स्क्रीन पर दो कमरे दिख रहे होंगे, मैं इसे कह रहा हूँ कमरा नंबर एक और इसे कह रहा हूँ कमरा नंबर दो। तो आप पहले नंबर कमरा को देख के क्या बोलोगे? मान लो आप अगर इस कमरे के अंदर हो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो आप इस कमरे के अंदर हो, आपको बाहर से कोई आपका यहाँ पर आपका एक मित्र है कमरे के बाहर, और ये आपको बोलता है बाहर आने के लिए किसी भी काम से, तो आप क्या कहोगे? ये कमरा पूरी तरीके से बंद है, जितने भी दरवाजे हैं ये सभी बंद है, तो आप इससे कह सकते हो मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी जो रूम है, मेरी जो कमरा है ये क्लोज्ड है, यानी बंद है। तो इसलिए आप बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। तो ऐसे कमरे को आप क्या कहोगे? बंद कमरा, क्लोज्ड रूम। और अगर ये कमरा नंबर की दो की बात करूं, मान लो आप इस कमरे में यहाँ पर हो, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये कमरा की जो भी गेट है ये खुली हुई है, तो आप आसानी से अंदर से बाहर जा सकते हो, या बाहर से कोई भी इंसान अंदर की तरफ आ सकता है। तो इसमें आप क्या कहोगे कि ये जो रूम है ये रूम खुला रूम है, खुली रूम है, और ये ओपन रूम है। तो जिस तरीके से आप रूम के बारे में बोल सकते हो, क्लोज्ड रूम और ओपन रूम, आप क्या इमेजिन किए? आप इमेजिन किए कि उस रूम में हो, और आप अगर अंदर से बाहर नहीं जा सकते तो क्लोज्ड है, और अगर अंदर से बाहर जा सकते हो, कोई दरवाजा खुली हुई है, तो ओपन रूम है। उसी तरीके से आकृतियों को अगर देखो, तो यहाँ पर कुछ आकृतियां यहाँ दिख रही होंगी आप सभी को। इन सभी आकृतियों के बारे में आप कहोगे क्या? ये सभी की सभी कैसी है? बंद आकृतियों के उदाहरण है। अब कैसे पता चलेगा कि ये बंद आकृतियां हैं? आप इमेजिन कर लो कि ये जो भी आकृति मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ, जिसमें मैंने एक नंबर लिखा है, आप इमेजिन करो कि आप इसके अंदर हो। आप इसके अंदर हो, आप इमेजिन कर लो आप इस फिगर के अंदर यहाँ पर हो, आपको बाहर जाने की कोई भी रास्ता दिख रही है क्या? इससे बाहर आप जा सकते हो? तो आपको कहीं पर भी एक ऐसा दरवाजा टाइप का कुछ नहीं दिखेगा कि आप इसके बाहर जा सकते हो। अगर मैं इसी इमेज को इस तरीके से बनाता, तो यहाँ पर आप अगर अंदर हो तो आप कह सकते हो मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन इस इमेज में, इस आकृति में आपको कहीं पर से भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखेगा, या बाहर से अंदर आने का कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप कह सकते हो ये फिगर कैसी है? ये बंद आकृति है, यानी क्लोज्ड शेप है। अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि ये जो मैंने जहां पर दो नंबर लिख रहा हूँ, ये दो नंबर की आकृति कैसी है? कमेंट सेक्शन में आप लिखो। खुली, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं बंद है या खुली है। तो बंद है, ये साफ दिख रही होगी, मैंने ऊपर में भी लिख कर रखा है कि ये सभी आकृतियां बंद है। अब ये तो हुई एक तरीके की डेफिनेशन, इससे आप आसानी से पता कर सकते हो कि ये खुली है या बंद है। उसी तरीके से ये तीसरी इमेज को भी आप बोलोगे कि ये बंद है। अब दूसरी जो परिभाषा है, दूसरी परिभाषा को आप किस तरीके समझ सकते हो?
आप आकृति में यहाँ पर कोई भी बिंदु चुन लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर चुना है बिंदु नंबर ए, इसे मैं बिंदु नाम दे देता हूँ ए। आप क्या करो, इसके बाउंड्री स्पेस के किनारे किनारे चलना स्टार्ट करो। आप अगर इस पे चलते चलते वापस से उसी बिंदु पर आ जाते हो, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये बंद आकृति है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से इस फिगर की अगर बात करूं, जैसे मैं यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ आपको, इस तरीके की आकृति जहाँ पर मैं बिंदु ए और बिंदु बी बना रहा हूँ, अगर आप इस पे चलना स्टार्ट करोगे, तो देखो अगर आप बिंदु ए से स्टार्ट करोगे, आप ऐसे चलना स्टार्ट करोगे, तो आप चलते चलते यहाँ तक पहुँचोगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, और ऐसे करके आप बिंदु बी तक पहुँच पाए। अर्थात जहाँ से आप शुरू किए वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो, तो ऐसे आकृतियों को कहेंगे खुली आकृति, यानी ओपन शेप्स। और वो सारी इमेज जहाँ से आप शुरू करोगे और वहीं पर पहुँच जाओगे, तो वो सभी आकृतियों को कहेंगे क्लोज्ड शेप। अब मैं कुछ इमेज आपके सामने दिखा रहा हूँ जो ये सभी के सभी क्या है, खुली आकृतियाँ हैं। आप इसको कैसे देखोगे, सबसे पहले जो मैंने बताया, आप इमेजिन कर लो कि आप यहाँ पर हो अंदर में। अब यहाँ से आप देखोगे कि आपको दिखेगा, आप यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हो, या बाहर से कोई भी अंदर की तरफ आ सकता है। तो ऐसे इमेज को क्या कहेंगे, खुली आकृति। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर अगर आ जा सकते हैं, तो खुली आकृति है। और ये जो सेकेंड इमेज दिख रही है, ये वाली, ये भी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर जहाँ पर मैं पेन चला रहा हूँ, यहाँ पर से ये खुली हुई है। यहाँ से कोई भी इंसान अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है। तो ये सभी आकृतियाँ कैसी हैं, खुली आकृतियाँ, ये दोनों आकृतियाँ थीं। अब आपको एक स्क्रीन, मेरी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रही होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, आप सभी को मैंने बताया कि सभी को पोल सेक्शन में जाना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखकर नहीं देगा, और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे, सभी लोग ट्राई करें। सर, हमारे फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्टिविटीज का सर। एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है आप में? यस अगर सर। आप में एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, अभी जब मैं बोलूंगा तब आप चैट सेक्शन में आंसर करना, अभी आप आंसर मत करना, ठीक है? और आज के क्लास के बाद आप क्या करना, गूगल मीट जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, उसको जाके अपडेट कर देना। तो जब आप अपडेट करोगे, तो आप में वो एक्टिविटीज की ऑप्शन शो करने लगेगी, और अगर उसके बाद भी शो ना करे, तो फिर उसका हम लोग देखेंगे कि फिर क्या करना है। अभी के लिए आप आंसर मत करना, फिर मैं आपको देखो चैट सेक्शन में आपको बताऊंगा, फिर जाके आंसर करना आप। सभी बच्चे आंसर, अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। आपको जो भी उत्तर सही लगता है वही आंसर दे आप। हाँ, जो बच्चे उत्तर दे दिए हैं वो बहुत अच्छे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बच्चे नहीं उत्तर दिए हैं, वो सभी लोग उत्तर दे दें। कुछ सेकंड और हम लोग वेट करेंगे, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा हमारा सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा इसका सही उत्तर है। और जिस भी बच्चे का एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, जो पोल में आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो अब चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं आप। अब आप चैट सेक्शन में आंसर लिख दो, मैं देख रहा हूँ ए। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार इमेज आपको दे रखी है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आपको बता करना है कि इसमें से कौन सी आकृति बंद आकृति है। तो अगर मैं पहला ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन नंबर ए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया कि आप इमेजिन कर लो, सोचो कि आप इसके अंदर में हो। आप इमेजिन करो कि आप इस चित्र के या इस आकृति के अंदर हो। आप देखो कहीं पर से भी आप इसके बाहर जा सकते हो, कि आप अगर इधर जाओगे तो आपको दिखेगा ये इधर से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इधर से भी आप देखोगे तो बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, नीचे की तरफ भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर भी जाओगे तो बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा उत्तर ए सही उत्तर होगा, है ना?
ये उत्तर हमारा सही होगा। जब आपको ऑप्शन ए में ही मिल गया कि हमारा ये सही उत्तर होगा, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही उत्तर सही हो सकती थी, इसलिए हम इसी पे आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी अगर आप में से किसी को भी देख लगता है कि हम बाकी ऑप्शंस को भी देख ले, तो जैसे देखो, अगर मैं बाकी बी ऑप्शन को देखूं, तो बी ऑप्शन साफ दिख रहा है कि यहाँ पर से आप अंदर की तरफ जा सकते हो और अंदर से कोई बाहर की तरफ आ सकता है। और अगर दूसरी उदाहरण, जैसे मैंने दूसरी परिभाषा बताई थी, आपको क्या करना है, उसके बाउंड्रीज पे चलना है। तो आप बिंदु ए से शुरुआत करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, बिंदु बी तक। अगर आप इसके आकृति के बाउंड्रीज पे चलोगे तो आप बिंदु बी तक पहुँच पाओगे। तो आप जहाँ से शुरुआत किए वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप क्या है, ये एक ओपन शेप है, यानी खुली आकृति है। और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूँ, तो ये ऑप्शन डी तो साफ दिख रहा है कि ये तीन तीन जगह से पूरी खुली आकृति है। और ऑप्शन सी, अगर आप यहाँ पर हो तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है, इसलिए ये भी खुली आकृति है। इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने आगे के कंसेप्ट पढ़ते हैं। हमारा आगे जो पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है बिंदु। तो ज्यामिति की जो सबसे बेसिक, जो सबसे पहली आकृति हमें पढ़नी है, वो है बिंदु। बिंदु और बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, संरेख और असंरेख, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। मैं इसके और आगे जब पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कि बिंदु के बेसिकली कोई प्रकार नहीं होती, इनके स्थिति के अनुसार इसे हम दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि बिंदु क्या होती है या पॉइंट क्या होते हैं। तो जैसा आप अगर इसका डेफिनेशन देखो, परिभाषा, तो बिंदु में हम क्या कह सकते हैं, किसी भी समतल में एक स्थिति को दर्शाने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। बिंदु क्या है, बिंदु किसी समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। अगर आप इसे इमेजिन करना चाहो, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि आप मैथ्स के कोई भी चैप्टर को क्या कर सकते हो, अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देख सकते हो। तो आप सभी के पास अगर एक पेंसिल है या पेन है, तो उसका जो सबसे आगे का निब है, टिप, उसे आप एक तरीके से एक बिंदु की तरह समझ सकते हो। तो बिंदु बनाते कैसे हैं, आप किसी भी अपने कॉपी का जो सरफेस है उस पे आप अगर एक डॉट बनाओ, तो जो डॉट, ये छोटी सी एकदम सूक्ष्म से जो आकृति दिख रही होगी, वही आकृति को हम क्या करते हैं, एक बिंदु या पॉइंट कहते हैं। अब समतल क्या होता है, जैसे मैंने डेफिनेशन में, परिभाषा में एक वर्ड यूज किया है, समतल। हाँ, समतल। तो समतल क्या होता है, तो आपकी जो कॉपी है, कोई भी सतह को हम कह सकते हैं समतल। आप में से कोई बच्चे, आप कुछ अपने डेली लाइफ में जो भी अपने आसपास देखते हो, कोई भी सतह की एग्जाम्पल देखे, मैं एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो अपने क्लास में आपका जो ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड एक तरीके का सरफेस है, आपकी कॉपी है वो भी एक समतल है। आप एक दो उदाहरण आप मुझे चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप अपने आसपास कौन कौन से समतल या सतह को देखते हो। संजय सिंह, आपका क्वेश्चन क्या है सर, क्या ये कॉपी में भी राइट करने हैं प्लीज, आपका आंसर समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या आपने लिखा है, तो ब्लैक बोर्ड होगा, फ्लोर होगा, टेबल होगा, ये सभी चीजें क्या है, एक सतह है। इन सभी सतह पे हम किसी भी एक स्थिति को बताने के लिए हम लोग बिंदु का उपयोग करते हैं। बिंदु को दर्शाते कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बना रखा है, ये मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी ये बड़ी दिख रही होगी और ये आपको दिखने के लिए बना रखा है। अगर मैं इतना छोटा सा बनाऊं तो आपको दिखेगी भी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना रखा है। बिंदु अत्यंत सूक्ष्म होती है और इसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स, कैपिटल अक्षर जो होते हैं, कैपिटल ए बी, उससे हम लोग इसका एक नाम दे देते हैं। हर बिंदु का एक नाम देते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके। तो हर एक बिंदु का एक नाम होगा और ये एक अत्यंत सूक्ष्म होगा। जैसे कि मैं अगर एक उदाहरण से समझाऊं, यहाँ पर एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा आपके हरियाणा की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी स्थिति को, मतलब जैसे बोला मैंने पोजीशन को, पोजीशन मतलब कोई भी जगह या कोई भी स्थिति को बताने के लिए बिंदु का उपयोग करेंगे। तो आप जब मानचित्र देखते होगे भारत का या हरियाणा का, तो आप देखते हो कई जगह बिंदु बना के रखी गई है। और उसके बाद क्या दिखा जाता है, यहाँ पर बिंदु बना के दिखा रहेगा, ये है सोनीपत,
ये है पानीपत, यहाँ पर रोहतक। तो इससे मतलब पता चलता है कि यहाँ पर एक निश्चित बिंदु है और इसकी स्पेस, इसकी पोजीशन ये है, यहाँ पर रोहतक स्थित है, यहाँ पर ये जिला स्थित है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि एक बिंदु किसी भी स्थिति को बताने के लिए उपयोग की जाती है। समतल, कोई भी सतह को हम लोग समतल कह सकते हैं। बिंदु के बारे में और क्या-क्या बातें आपको याद रखनी है, तो आपको ये ध्यान देना कि बिंदु में कोई भी लंबाई नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। ये एक ऐसी आकृति है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती। आप सभी लोग अपने कॉपी में ये चीज लिख सकते हो कि बिंदु में कोई लंबाई नहीं होती और कोई चौड़ाई नहीं होती। ये चीज आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। एक चीज और ध्यान देना कि आप इसे माप नहीं सकते। आप किसे मापोगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने डेफिनेशन या परिभाषा में मैंने बोल दिया कि बिंदु में क्या होती है, ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है। तो आप मापोगे किसे, लंबाई को या चौड़ाई को मापोगे? कोई वजन होगा उसको मापोगे, लेकिन यहाँ पर लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, तो आप उसे मेजर नहीं कर सकते हो, आप उसे माप नहीं सकते। तो आपको क्या-क्या याद रखनी है बिंदु के बारे में? आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज, बिंदु में लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। दूसरी चीज, बिंदु किसी सतह पे किसी भी स्थान को निर्धारित करने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। इसका नाम हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर के द्वारा देते हैं। और मैंने क्या बोला बिंदु के बारे में? मैंने बिंदु के बारे में बोला कि आप लोग इसे मेजर नहीं कर सकते, मतलब इसे आप माप नहीं सकते। अब अगर देखो कि बिंदु कितने प्रकार की होती है, तो बिंदु को अगर हम डिवाइड करें तो बिंदु दो प्रकार की होती है। पहला संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। मेरी सर, आवाज आपकी कम? आवाज थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आपको आवाज सुनाई देगी अब। ठीक है, तो बिंदु के बारे में मैंने बताया कि आपको किसी बिंदु कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, संरेख एंड असंरेख, मतलब कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बिंदु, अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने कई बार बोला बिंदु के प्रकार, तो अगर सही मायने में देखा जाए तो बिंदु के कोई प्रकार नहीं होती। बिंदु के स्थिति के अनुसार, उसके पोजीशन के अनुसार हम लोग देखते हैं। जैसे एक सतह, मान लो मैं यहाँ पर एक सतह बना रहा हूँ, ये मान लो आपका एक स्कूल का ब्लैक बोर्ड है, तो आप बताओ इस सतह पे कितने बिंदु बनाए जा सकती है? आप सभी लोग इसका आंसर चैट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो कि सतह पर कितने बिंदुएं बनाई जा सकती हैं। टू मच, बहुत सारी बनाई जा सकती है, अनगिनत, बहुत अच्छे। तो इन्फिनिटी, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी, अनंत, अनगिनत बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप निश्चित है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, सर जितना आप अपना जो भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख दो, तो अनगिनत बना सकते हैं। इसका कोई सीमित सीमित मात्रा नहीं, कितना भी आप जितना चाहो आप उतने बिंदु इस पे बना सकते हो, असंख्य बिंदु बना सकते हो। तो इसी तरीके से जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर असंख्य बिंदु बनाए जा सकते हैं, तो इस बिंदु के पोजीशन के अनुसार, इनके स्थितियों के अनुसार हम लोग बिंदु को दो भागों में बांटते हैं, संरेखीय और असंरेखीय, यानी कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर। समय तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोलिनियर पॉइंट क्या है। तो कोलिनियर पॉइंट को अगर मैं समझाऊं तो इसका आप परिभाषा देखो सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको दिखेगा तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर हो तो वह संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बातें मैंने परिभाषा में यूज की है। तो सबसे पहली बात, तीन या तीन से अधिक। दूसरी बात, एक रेखा। और तीसरी बात, संरेख। बोला टनल तक का तो हम तो यहाँ पर सबसे पहले संरेख बिंदु के बारे में ही पढ़ रहे हैं। आप लोग रेखा के बारे में, कोई बच्चा ऐसा है जो म्यूट करके नहीं रखा है अपने आप? ठीक है, तो हम लोग रेखा के बारे में अगले कुछ क्लासेस में पढ़ेंगे कि रेखा क्या होती है। अभी के लिए आप लोग ये ध्यान देना, कोई भी एक सीधी लकीर को हम लोग क्या कहते हैं, एक रेखा कहते हैं।
ठीक है, अगले क्लासेस में हम लोग ये डेफिनेशन जो है उसको भी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में भी हम लोग लिख दें, ठीक है? तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इस सारे डेफिनेशन को इंग्लिश में भी लिखें फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए आप देखो, कोई भी रेखा के लिए क्या करेंगे, कोई भी सीधी लकीर को हम लोग एक रेखा मान सकते हैं अभी के लिए। फिर हम लोग आगे जब क्लासेस करेंगे तो वहां पर हम लोग रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखा क्या होता है। ओके तो यहाँ पर ये देखो कि मैंने ये क्यों लिखा, तीन या तीन से अधिक। ये काफी महत्वपूर्ण बात है, आपको ये ध्यान देना है कि मैंने ये तीन या तीन से अधिक बिंदु क्यों लिखा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैं दो बिंदु पहले बना रहा हूँ, बिंदु नंबर ए और बिंदु नंबर बी। आप सभी को दिख रही होगी दो बिंदुएं। तो अगर ये दोनों एक रेखा पर है तो मैं कहूंगा ये संरेख बिंदु है। या आप क्या कह सकते हो, आपको क्या करना है, एक रेखा बनानी है जो इन दोनों बिंदु से चली जाए, क्रॉस कर जाए। तो कोई भी बिंदु, दो बिंदु आप कैसे भी ले लो, तो एक रेखा ऐसी जरूर होगी जो दोनों बिंदु से चली जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं बनाऊँ इस तरीके से चली गई, तो एक रेखा ऐसी जरूर होगी जो इन दोनों बिंदु से चली जाएगी। तो कोई भी दो बिंदु हमेशा संरेख होती है, ये चीज अपने कॉपी में आप लिख लो कि टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। हिंदी में मैं बोलूँ तो दो बिंदु हमेशा संरेखीय होती है। संरेखीय बिंदु होंगी या नहीं होंगी, ये तब क्वेश्चन उठेगा, तब प्रश्न उठेगा जब तीसरी बिंदु भी रहे। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो, मतलब एक ही लकीर पे हो, तब हम उसे कहेंगे संरेखीय, और अगर एक ही लकीर पे ना हो तब हम उसे कहेंगे असंरेखीय, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंग्लिश में अगर कहें तो संरेखीय बिंदु को कोलिनियर पॉइंट्स एंड असंरेखीय बिंदु को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो असंरेखीय बिंदु को, क्योंकि आज हमारी क्लासेस की समय हो चुकी है, तो असंरेखीय बिंदु हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आप संरेखीय बिंदु समझ लो कि वो सभी पॉइंट्स, वो सभी बिंदु जो एक ही रेखा पर हो, एक ही सीधी लकीर में हो, तो हम लोग कहेंगे संरेखीय बिंदु। आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको कुछ बिंदु यहाँ पर दी हुई है, इस तरीके से कुछ बिंदु दी हुई है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ बिंदु ए बी और सी। ये जो पहली वाली है इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को यहां से मिला दूं, बिंदु ए को और बी को अगर मैं इस तरीके से मिला दूं, और अगर मैं पूछ रहा हूं कि ए बी सी संरेखीय बिंदु है या नहीं है, तो आप कुछ बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि सी ए बी सी एक ही रेखा पर नहीं है, तो आप कह सकते हो कि ये संरेखीय नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस रेखा को दोनों ही तरफ बढ़ा के देखनी है, और बढ़ा के जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तीसरी जो रेख बिंदु है ये इसी पे लाई कर रही है कि नहीं। अगर तीसरी बिंदु इसी रेखा पर लाई कर जाती है, दोनों ही तरफ आप बढ़ा के देखना, आप कोशिश करो कि तीनों बिंदु एक रेखा पर आ सकती है या नहीं। अगर ऐसा है तो आपको हो गया ये संरेखीय बिंदु है, और असंरेखीय बिंदु के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आप सभी को ध्यान देना है कि आपको फिर से कब आना है हमारी नेक्स्ट क्लास में। सर कब आना है? तो ये समय सारणी है आपके सामने, मंगलवार गुरुवार और शनिवार। आज 19 तारीख है, तो 21 तारीख को आप सभी को फिर से इसी समय पे 5:30 से 6:30 के बीच आना है, मंगलवार गुरुवार और शनिवार को, सप्ताह में 3 दिन आप सभी को। हाँ, आप सभी की क्लासेस गुरुवार को, नेक्स्ट अब शुक्रवार को होंगी, इसी समय 5:30 बजे होंगी। आज की क्लास इतना ही तक थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, असंरेखीय बिंदु। जैसे मैंने आज संरेखीय बिंदु पढ़ा, तो इसके आगे हम लोग असंरेखीय बिंदु के बारे में करेंगे, और देखेंगे उसके आगे हम लोग और क्या क्या हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होगा जो मैं आप सभी को दूंगा। तो ठीक है, आप अब जा सकते हो, आप सभी लोग अब क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। आज की क्लास इतना ही तक थी। अब नेक्स्ट क्लास आप लोगों का नेक्स्ट थर्सडे को होगा। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगा आप लोग को, इसी समय पे 5:30 बजे से। और अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो।
बाय नितिन, बाय मोहित। हाँ, नेक्स्ट क्लास भी आपकी जो भी लाइव क्लास चल रही है यहाँ पर, वो सभी मैथ्स की चल रही है। हाँ, आप जा सकते हो, आपके क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। आपकी क्लास 5:30 से 6:30 तक ही होंगी, 5:30 से 6:30 तक आपकी क्लासेस होंगी, सप्ताह में 3 दिन। अब आप सभी लोग जा सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे चैट सेक्शन में लिखकर। आप अपने मोबाइल के नीचे देखो, एक लाल कलर का फोन का ऑप्शन बना होगा, आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आप क्लास लेफ्ट कर जाओगे। आगे की क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मोहित कुमार, आपको कोई डाउट है क्या? क्या अभी सब टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर? सभी लोग जा चुके हैं। अच्छा, हाय मोनिका, मैं आई थिंक मैं कुछ लोगों को शायद नहीं जानती होंगी। आई थिंक दिव्या को नहीं जानती हूँ, बाकी लोगों को जानती हूँ। जस्ट आप लोगों के अटेंशन के लिए मैं ये बात जस्ट लास्ट में रुक के आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली पंकज, आपकी क्लास के दौरान एक बच्चा था ओपी गेमर करके, उसका काम था बच्चा। आवाज तो आवाज आपने नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपको अब आ रही है बस? हाँ, आवाज आ रही। हेलो। ओपी गेमर्स करके एक बच्चा था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, कृष कुमार नाम से, जो ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप मीटिंग लीव कर दीजिए। कृष कुमार नाम से जो भी बच्चा जुड़ा है, चलिए, ठीक है। ये मैं बताना चाह रही थी कि उसने एक अब्यूजिव वर्ड यूज किया था आपकी चैट के दौरान मिड में। सो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। सो जस्ट बाकी टीम मेंबर्स को भी मैं इसलिए शेयर कर रही थी, बिकॉज नेक्स्ट क्लास भी होगी और कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा अगर ऐसा कुछ होता है पंकज। मैंने वानी और सक्षम से भी बात किया है, ऐसे केस में उस बच्चे का नाम लेके वार्न करते हुए कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे चैट में, सभी बच्चों को वार्न कर दीजिएगा और उस बच्चे को आप रिमूव कीजिएगा कि अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे आपको लाइव क्लास से हटा दिया जाएगा। सो ओपी ओके। गेमर्स नाम से था वो अकाउंट। स्ने आपके पास शायद लिस्ट होगी, आपको पता भी चल गया होगा इस सारण वगैरह से, वो शायद तो पता मेरे पास चल। आ जाएगा, हाँ जी, ओपी मेरे गेमर्स आ पास। जाएगा। हाँ, आप प्लीज चेक करिएगा और मुझे लगता है उस बच्चे को एक बार बोलना भी जरूरी है। सो आप देख लीजिएगा आप अपने एंड पे कैसे करोगे, बट जस्ट ये इन्फॉर्म करने के लिए था पंकज आपको भी कि चैट में इस तरह की अगर चीज आती है। मैं आपको कैसे कम्युनिकेट करूँ कि पंकज इस तरह का कुछ आया है, बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे तो सभी कॉमन चैट देख सकते हैं। सो आप एक बार पंकज मेरे को आप व्हाट्सएप साथ में पैरेलली यूज कर पाओगे क्या, देख पाओगे क्या? मैम, अभी तो इसमें चैट भी चलते रहता है, एक और मोबाइल का फिर यूज़ करना पड़ेगा मुझे। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है। सो मैं ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं फिर। मैं एंड, क्योंकि वो बच्चा हट गया नहीं, तो आइडियली उन्होंने बोला था कि उसी समय रिमूव कर देना चाहिए, बट क्योंकि आप क्लास कंटिन्यू कर रहे थे बीच में वो ऑब्स्ट्रक्ट करता, इसलिए मैंने बीच में बोला नहीं। सो ऐसा कर सकते हैं एंड में, फिर अगर वो बच्चा रुकता तो मैं उसको एंड में बोलती कि आप इस तरह की भाषा का नहीं प्रयोग करें, बट हम देख सकते हैं, एज अ को होस्ट आप लोग भी तो उसे रिमूव कर सकते हो। रिमूव कर सकते हैं, बट बच्चे को रिमूव करने का ग्राउंड वो बताना भी इम्पोर्टेंट है ना, बिकॉज भाषा सही जिस बात। तरह की इस्तेमाल हो रही है सभी बच्चे देख रहे हैं चैट में। सो वो बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसा एक्शन एक रिएक्शन भी लेकर आएगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ होगा तो हम में से किसी को भी दिखता है तो एक दूसरे से हम लोग तो बात कर ही सकते हैं, स्नेह है, सविता है, आई थिंक हम लोग, दिव्या, हाय, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, बट हाँ हम कहीं ना कहीं से कम्युनिकेट आपस में कर सकते हैं कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम में से शायद कोई एक बीच में रोक के बोल सके कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको क्लास से हटाया जा रहा है।
सो हम ऐसा कोई एक्शन नहीं। एक्चुअली कई बार होता है मैम, चैट काफी जल्दी से ऊपर चला जाता है तो फिर वो दिखता नहीं है हमारे पास। पंकज मोनिका नाम है मेरा। ओके मोनिका, ओके मोनिका। ओके ठीक है। नहीं आप, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, आपने अच्छा ये चैट में लिखा था क्या उसने? हाँ जी हाँ, ये चैट में है और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है उसका, मैं वो शेयर मेरे पास जैसे मैं क्लास एंड करूँ ना, वो सारी चैट मेरे पास आ जाएगी ईमेल पे। गॉट इट गॉट इट। हाँ हाँ, उसने बच्चे का नाम लिख के और देन उसने अब्यूजिव वर्ड यूज किया है, सुमित कर ओपी गेमर्स नाम से है, बहुत स्टार्टिंग की चैट में है वो, लाइक अराउंड 9:38 से पहले की चैट में है। सॉरी आई एम सॉरी, नॉट 9:38, बेसिकली हाफ ऑफ द क्लास के आसपास चैट में। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देती हूँ यार, हरियाणा वाला ग्रुप है ना, हरियाणा प्रोग्राम्स का, आप उसे कर दो। हाँ मैं उसको भी शेयर कर देती हूँ, तो वो क्लियर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं भी ये चेक कर लेती हूँ जरा स्टूडेंट अटेंडेंस में कि ये है कौन ये बच्चा। उसमें एक्चुअली मेरे बच्चों की अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है पूरे, जो भी बच्चे जिस भी नाम से कनेक्टेड होते हैं ना इस लाइव क्लास में, तो मेरे पास वो अटेंडेंस आती है, सो मैं उसमें चेक कर सकती हूँ। जस्ट वो अटेंशन के लिए। जय धांकर, आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है? अगर नहीं तो आप अभी क्लास खत्म हो गई है, आप लीव कर सकते हैं। जय धनकर, आप क्लास लीव कर सकते हैं, क्लासेस खत्म हो चुकी है। ओके सर। और मैंने भेज दिया हरियाणा प्रोग्राम में, आप देख लीजिएगा। जी मिल गया मुझे भी। ठीक है पंकज, आपकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके मुनी, ओके बाय एवरीवन, बाय बाय। Oh, really? Yes. Yeah, है कॉपी गेमर्स, मैं चैट में देख पा रहा हूँ एक है यहाँ पर। ओके या मैंने भी अटेंडेंस देख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम। हाँ जी हाँ जी, मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ, अभी तो अभी पहले ना बस उसका नाम पता चलेगा और ये पता चलेगा कि हाँ जुड़ा था और उसने कुछ बोला था या नहीं बोला था, वो सब कुछ होगा इसमें। मेरे पास कुछ ही चीजें लिखी हुई आती हाँ, हाँ, बट आई नो कि हाँ इस टाइप इस नेम का कोई पर्सन जुड़ा है। हाँ लेकिन हाँ अच्छा दिव्या, इस ग्रुप में तुम्हारे स्कूल से भी कोई जुड़ा हाँ, है मेरे क्या? स्कूल से काफी लोग थे आज, पता नहीं अटेंडेंस कम होने का एक रीजन पता है क्या है? क्योंकि बच्चे 5:30 पे नहीं, मतलब उनके पेरेंट्स नहीं रह पाते हैं अवेलेबल घर पे। हाँ मैं तो गुड़गांव का टाइम चेंज करवा रही हूँ, मैंने तो फाइनल कर लिया कि 7 स्टार्ट हुई क्योंकि बहुत बच्चों के कॉल्स आ रहे थे 7 to 8, देन फिर से दो क्लास। हाँ, तो भाई डैशबोर्ड पे देखो, सो लेट्स सी यार, तो दो क्लासेस हो। हाँ, वही कह रही थी, मैंने डैशबोर्ड पे भी देखा तो बच्चे का। हाँ बोलिए मैम। हाँ पंकज यार, ये मैम मत, फिर आप मैम मत बोलो किसी को भी ना, आप नाम से बोल सकते हो। ठीक है, से आई थिंक पंकज भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए होंगे क्लासेस लेके, तो भी हम ड्रॉप करते हैं, टेक रेस्ट पंकज, है ना? हाँ चलो चलो, ओके बाय, टेक केयर। या अच्छा पंकज, एक 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 चीज थी लास्ट। पंकज आप व्हाट्सएप कर पाओगे क्या एक बार, या फिर ये जो है डिस्कॉर्ड पर एक मैसेज कर पाओगे क्या मुझे, स्नेक अटारिया के नाम से होंगे मैं आपका नंबर। मैं नंबर शेयर कर, हाँ वो वही मैं सोच रही हूँ कि नंबर शेयर कहाँ करूँ, आपका डिस्कॉर्ड पे शायद इंट्रो भी नहीं आया था आई थिंक। आप चैट में तो लिख सकते हो ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, आई कैन। 4 6 7 9 9 5, ओके। आप एक बार इस नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा, जरा अर्जेंट है थोड़ा सा। 8 8 6, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच, या बाय बाय दिव्या।